बिस्मिल स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है आज हम गैशेज एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगी कि आपको ये टॉपिक अभी ही तैयार हो जाएगा साथ साथ सो so, गैश एक्सचेंज इन प्लांट्स हम एनिमल्स में तो पढ़ते हैं कि गैसेज कैसे एक्सचेंज होती हैं हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू हमारे पास जो है गैसेज एक्सचेंज होती है इन ऑफ ऑक्सीजन होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइक्साइड लेकिन जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के पास इतने जो स्पेशलाइज ऑर्गन्स नहीं होते जिनके थ्रू वो क्या करें गैसेस को एक्सचेंज करवा सकें ठीक है तो उनके पास क्या होता है जो लीव्स होती हैं या फिर यंग स्टेम्स होती हैं उनके पास क्या होता है स्टोमेटा होते हैं ठीक है ये आपके पास एक डायग्राम की वन है इसमें आप देख सकते हैं ये स्टोमेटा है ठीक है जो लीव्स प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं या फिर यंग स्टेम्स होते हैं उसमें ये स्टोमेटा होते हैं इस स्टोमेटा से क्या होता है के जो गैसेस एक्सचेंज होती है ठीक है इन टेक ऑफ एयर होता है और इन रिमूवल ऑफ एयर अब इसमें इन टेक ऑफ एयर और रिमूवल ऑफ एयर जो है वो ह्यूमन बींग्स से डिफरेंट होता है वो कैसे डिफरेंट होता है कि जिस तरह हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम इन टेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं इसी तरह प्लांट्स इन टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करते हैं लेकिन वो भी दो तरीके से कैसे प्लांट्स में दो तरीके होते हैं ठीक है थीके? दो सिचुएशंस होती हैं एक तो वो होती है कि फोटोसिंथेसिस होती है और एक रिस्पेरेशन होती है अब फोटोसिंथेसिस होती है दिन के वक्त ठीक है जब दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट क्या करते हैं ये जो स्टोमेटा होते हैं ओपन होते हैं तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंटर होता है ठीक है बॉडी के अंदर जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन क्या होती है रिलीज़ होती है लेकिन जब रात हो जाती है तो रात को ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो गैसेज एक्सचेंज है वो नहीं हो पा रही होती है दूसरा फोटोसेंथिस के लिए सन की भी ज़रूरत होती है तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पर रिस्परेशन का प्रोसेस होता है तो ये क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं इन्वायरमेंट से तो इस तरह जो है ना प्लांट में हमारे पास कहते हैं हम कहते हैं कि गैसेस एक्सचेंज होती है अच्छा बच्चा होता क्या है ये जो हमारे पास डायग्राम है ना इसमें क्या होते हैं जो हमारे पास लीव्स और यंग स्टेम्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है मीज़ोफेल मीजोफिल सेल्स होते हैं इसमें ये जो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं ना इनके पास एयर स्पेसिस होती हैं ठीक है जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास मीजोफिल सेल्स और ये एयर स्पेसिस है अब ये जो एयर स्पेसिस है ना इनमें हमारे पास क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होती हैं ठीक है थीके? वो मैंने आपको बता दिया कि डे टाइम में भी होती हैं और नाइट नाइट टाइम में भी होती है अच्छा अब डे टाइम में क्या होता है कि डे टाइम में जब फ़ोटोसेंथिसिस हो रही होती है ना तो ऑक्सीजन एज अ बायो प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होता है तो वो जो ऑक्सीजन होता है ना वो हमारे पास रिस्पेरेशन में यूटिलाइज़ होता है इसी तरह रेस्परेशन जब रात के टाइम हो रही होती है तो तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूटिलाइज़ होता है अब क्या होता है जो हमारे पास वुडी स्टेम्स होते हैं ठीक है उसमें जो हमारे पास आप कह सकते हैं जो ट्री की बार्क होती है ना बार्क उसमें पोर्स होते हैं ठीक है बार्क आप ले लेते हैं कि आपके पास ट्री की बार्क होती है ना ऐसे होती है ठीक है अब आपको इस तरह तो उसमें पोर्स नहीं नज़र आ रहे होते लेकिन अब जब माइक्रोस्कोप के नीचे उसको रखोगे ना उसके अंदर इस तरह पोर्ज होते हैं अब ये जो पोर्स होते हैं ना इन पोर्स से पता बताऊँ क्या होता है इन पोर्स के थ्रू जो होती है ना गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है तो ये जो पोर्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है ना इनको हम लोग क्या हम क्या कहते हैं कि हमारे पास लेंटी सेल्स होते हैं ठीक है ये जो प्लांट की बार होते हैं ना इसमें ये लेंटी सेल्स होते हैं जिनके थ्रू क्या हो रही होती है गैसेज एक्सचेंज हो रही होती है अब क्या होता है कि जो इक्वेटिक प्लांट होते हैं ना जो कि पानी के अंदर प्लांट्स रहते हैं वो क्या करवाते हैं वो जो प्लांट के जो वाटर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं ठीक है थीके? वो ऑक्सीजन वो लोग लेते हैं ताकि वो प्लांट ग्रो सक कर सकें और वो क्या करते हैं प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस जो वाटर है उसमें रिलीज़ करते हैं इसी तरह हमारे पास जो सॉइल आ जाती है ठीक है जो रूट्स होते हैं ना रूट्स में भी हमारे पास गैसेस डिफ्यूज़ हो रही होती हैं अंदर जा रही होती है और बाहर आ रही होती है तो वो गैसेस हमारे पास कहाँ से होती है सॉयल में जो रूट्स की सराउंडिंग में हमारे पास गैसेस मौजूद होती हैं ना वो गैसेज रूट्स के जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू रूट्स के अंदर जाती हैं और रूट्स के बाहर जाती हैं तो ये प्रोसेस जो होते हैं ना गैसेज एक्सचेंज इंड प्लांट मतलब कि बहुत ईजी सा सिंपल सा है कि दो प्रोसेस होते हैं फोटोसेंसीज होती है और रिस्परेशन फोटोसिंथेसिस में ड्यूरिंग द डे होते हैं जिसमें स्टोमेटा आपके ओपन होते हैं आपके पास गैसेस अंदर जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाते हैं ठीक है इसी तरह ड्यूरिंग द नाइट ये जो हमारे पास स्टोमेटा होते हैं क्लोज हो जाते हैं जब ये क्लोज हो जाते हैं तो रेस्पिरेशन होती है कि प्लांट ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है तो रात के टाइम जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है वो डे टाइम यूज़ करता है और डे के टाइम जब वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है वही हम भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो ऑक्सीजन जो बचाती है वो वापस रात को रिस्परेशन के प्रोसेस में भी वो यूज करता है तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आगे भी जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक वो पहुंच जाए शुक्रिया